done, done. वेलकम बैक टू दीनेंद्र ब्रो, स्वागतम। तो जैसा कि आपको पता है कि आज है तारीख 8 जुलाई और मेरी बेटी नित्यारानी का है बर्थडे, वो भी 6 महीने का। तो ये यहाँ घूमे जा रही है। अरे मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी बच्ची, इतने एक्साइटमेंट में आ गए तो है ना। आज बर्थडे की खुशी में बन रहे हैं कढ़ी और चावल, सही काम मम्मी। एक्चुअली क्या दिन का खाना ये है और अभी हम जाएंगे थोड़ी देर बाद, मतलब 4-5 घंटे बाद हम जाएंगे। कहाँ मंजू? हम जाएंगे द बिंग्स टाउन, यहाँ पे कि नित्या का बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। तो फिलहाल ये कर लेते हैं, एक दो काम और मुझे विशाखा को बाहर मार्केट में, तो वो कर करा के फ्री करके फिर नहा धो के फिर जाएंगे वहाँ पे। एक्चुअली तब तक मुझे फिलहाल देते हैं मंजू क्या नहाने के यहाँ अपनी मम्मी के साथ नहाले नहीं कंजड़ी नहाई नहीं मैंने नहाया, वो दोनों ने नहाए, पता नहीं कितने बजे पहुँचेंगे वहाँ पर। मुझे लग रहा है थिएटर जो बुक किया 3 घंटे के लिए है और वो टाइम वेस्ट होएगा। नित्या तैयार हो गई, कहाँ जाना है बच्चे को बर्थडे मनाने जा रहा है। देखो डेनिम है और मैं अपना भी दिखाता हूँ, लुक जरा, ये दिख रहा है क्या? मेरा भी प्रॉपर डेनिम है और इसकी माँ का जो है वो भी डेनिम है, एक इसकी टॉप तो अपनी जैकेट है ना बेटो। नित्या तीनों डेनिम में, बड़े हैप्पी हो रहे हो बेटे। हाँ चलो बाहर, चले बाहर बेटो, चले चले बेटे, चले बेटे, खुश हो रही है। चलो चलते हैं अभी वहाँ पे। ये है द बिंग्स टाउन, 3rd फ्लोर और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लक्ष्मी नगर, गेट नंबर 1 और 5 के पास। और ये आ रहे हैं 3, 4, 5 कितने लोग हैं ये नहीं त्यो, कहाँ जा रहे बच्चे? केक है इसका, केक है इसका, केक है मेरे बेटू का। आ गए अब केक, ये केक। हम आ चुके हैं द बिंग्स टाउन, ऊपर बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, बहुत प्यारा यहाँ का, देखो बहुत प्यारा है। और इसमें हमें ना सबसे प्यारा तो ये है, इसको लास्ट में दिखाना ना, फिल्म का क्लाइमेक्स होता है ना, उसको लास्ट में दिखाना होता है। बेटू ने इतना गिराना, गिराना तोड़ना दे नहीं तो बेटो मेरा बच्चा बर्थडे है आपका आज, पता है आपको? नहीं पता ना, पता है? ये गिराना था मम्मी गमला। अब हम एंट्री करने वाले हैं नित्या का ना, एंट्री किस तरीके से होगी वहाँ अंदर, इसमें एक्चुअली इस टेलर में जाना है हमें, तो अभी दिखाता हूँ अंदर जाके कैसा है यहाँ का। लेकिन एंट्री होगी गाने के साथ, नित्या का बर्थडे है तो इसलिए इसकी एंट्री गाने के साथ होगी। होगी कि नहीं होगी आप बताओ बेटे, होगी नहीं होगी? नहीं होगी ना, पापा बोल रहे हैं होगी ना, तो होगी मेरे बेटू। गाना चला दिया, चला रहे हैं क्या? चला दिया करो और यहाँ नाचो, ये हमारी सीट्स हैं। Happy birthday, happy birthday to you. तो जैसा कि आपने देखा एंट्री बहुत बढ़िया हुई, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग के साथ नित्या की एंट्री हुई। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, नित्या का ना जो केक है ना वो कट कर लेते हैं, उसके बाद हम
नहीं पूरा नहीं दिखाया गुड्डू मैंने उसमें। अभी इसको देखो मेरे चंपा लाल चपोड़े को, मस्त इंजॉय कर रही है अपना। देख चश्मा लगा के देखो, हीरोइन लग रही मेरी बेटू। नित्य बेटू डॉन 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 लग रहा है मेरा बेटू, गुंडा है गुंडा। नित्य बेटू और यहाँ देखो ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पे 6 लोगों की सीटिंग है पर हम लोग 5 है टोटल। उसका मैं बता दूँ कैसे क्या फेयर है, कितना चार्जेस है यहाँ के, कैसे कैसे चार्ज करते हैं लोग और क्या क्या एडिशनल ऐड करवा सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ पे ना देखो बेबी और नित्या का यहाँ बोर्ड लगवाया हमने और यहाँ पे 06 मंथ लगवाया है और यहाँ पे लाइट और यहाँ पे हमने नित्या केक ये मंगाया हुआ है, मेरा केक। हाँ फोटो मंगाएंगे बिल्कुल बनाएंगे। देख ये इसको क्या पता नहीं क्या उंगली है, वहाँ जगह कभी पड़ी है पर यहीं आके बैठ गए। नित्या भतीजी का कॉल आ गया है, वो 1.25 साल की है भाई साहब, कह रही तिया रो रही है अपनी अम्मा के सामने, तिया लेके चलो घर के सामने, मतलब इनका घर है ना, विशाखा घर भी उधर ही है तो रोने लग रही है। त्या त्या भाई साहब वीडियो दिखाता हूँ होते नहीं बाबू, तिया वहाँ नहीं है या घर पे उधर लेके चलो भाई साहब। और भाई जी क्या कर रही, देखना बहुत रो रही भैया है। तो अभी केक कट होने वाला है, नित्या के चश्मे लगा दिया, केक कट होने वाला है नित्या, यू डोंट हैव टू स्लीप बेटी ओके, केक कट करना है बाबू। वो लग रहे हैं वो नहीं सुनीत सुपरस्टार, वो लगाते हैं छोटे बच्चों वाले, सुनीत है वो, और एक वो लगाता है ये हमें पढ़ाना। अच्छा बेटी का छोटा यार आगे में तो अच्छी पूरे पुनी सुपरस्टार लग रहे हैं। अच्छा चलो चल ये है इसका केक। देखो यहाँ पे भी ये लड़ाई करना नहीं छोड़ेंगे, डॉगी एंड काउ। तो बच्चे के साथ तो यही प्रॉब्लम हम इन सीट्स का, तो मजा लेने दे, डांस ही कर ले। ये देखो तीनों जानवर लगे पड़े हैं केक काटने के लिए चम्मच से। ये देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो मुझे इस पे आ रही है बन चुके दोनों कंजर कंधी लड़ लड़ के ना पूरा आधा किलो के एक साफ करती दोनों ने मिलके। केक वाकई में अच्छा है, हम लाए थे पांडा, पांडा आपने देखा था वीडियो में, और इसमें अंदर कुछ डला हुआ है मसाला सा, मसाला नहीं पाइनएप्पल केक है ना, पाइनएप्पल केक है ना, पाइनएप्पल डले हैं और गंजर कौन में
जैसा कि आपने देखा, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत डांस किया, फोटोग्राफ्स खींचे, वीडियो बनाई, बाकी का आपको पता ही है कैसा है यहाँ का। अच्छा लगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करवा सकते थे, हमने नहीं करवाया अभी, क्योंकि नित्या को वो जो चीज़ समझ में अभी नहीं आएंगी उसका क्या पॉइंट है। गुड्डो जब बड़ी हो जाएगी तब और जाए। हाँ, फॉग एंट्री होती है। हाँ, फोटो खींचने का भी ऑप्शन है, 500-600 रुपये में आधे घंटे के लिए बंदा मिल जाता है आपको। और धुआं उड़वाना, धुआं उड़वा लो, और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करवाना चाहें तो। और इसका जो खर्चा पानी है वो था 2250 समथिंग का इसका रेंट है, और 750 रुपये कुछ डेकोरेशन है, तो 3000 के अराउंड हमें ये पड़ा है ना। और पाँच जनों के लिए मतलब क्या होता है, कुछ 400 लोगों के लिए अलाउड है, 4 लोगों के लिए 1700 है। हाँ। और 750 आपको पे करने पड़ते हैं डेकोरेशन के, वो मैंडेटरी है। हाँ। और प्लस कोई भी एक एक्स्ट्रा पर्सन होता है तो उसके 450 एक्स्ट्रा लगते ही लगते। हाँ। तो उसको कुल मिला के हमें 5 लोगों का ये पड़ा है, अलावा 3000 में जा करके। और यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? मुझे बहुत लगा, अच्छा लगा ना। यू टेल योर एक्सपीरियंस। नहीं अच्छा लगा मेरे को, डांस वांस किया, फोटोग्राफ्स अच्छे खासे खींचे, सही है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप आओ फैमिली के साथ, अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ पे 12 लोगों तक का भी है मैक्सिमम, सो आप आ सकते हो। ये देखो वहाँ पे तो सो गई थी चुपचाप से, और यहाँ आते ही जग गई है ना नित्यो। नाइट सूट पहन के आराम से बैठे हो बच्चे, आराम से मस्ती में। आ कितना प्यारा लग रहा है मेरा क्यूटी पाई। दोस्तों मुझे पता है आपको इस ब्लॉग को देख के बहुत मज़ा आया होगा, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और आप अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आप जा सकते हो उस लोकेशन पे, अच्छा है और पैसे भी ठीक ठाक हैं, तो आप जाना चाहें जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और मैं इस ब्लॉग को इसी के साथ एंड करूँगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएँ ब्लॉग कैसा लगा। टिल देन, बाय बाय।